हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लोग आज के शोड में क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, मार्केट में जितनी भी बड़ी न्यूज़ होगी सबको कवर करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं मार्केट सेंटीमेंट को। तो बात करें यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मीटर की, तो फ्रेंड्स ये मीटर जो है आप देख सकते हो यहाँ पे आज के दिन भी 25 पर देखने को मिल रहा है। तो पिछले कुछ दिनों की बात करें तो फ्रेंड्स ये आपको जो मीटर है 25, 26, 27 इसी सब रेंज में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे लगभग मार्केट जो है वो तो पैनिक ही शो कर रहा है, यहाँ पे फियर है, बट ये भी फियर एक रेंज में बना हुआ है। और जब यहाँ से मार्केट फिर से कोई बड़ा नेक्स्ट मूव दिखाए, जैसे कि या तो बहुत नीचे डाउन ही कर आ जाए या फिर ऊपर की तरफ अच्छा खासा एक दिन में पंप ही कर जाए, तो फिर से ये जो आपको यहाँ पे सेंटिमेंट ये जो इस रेंज में देखने को मिल रहा है ये आपको फिर से यहाँ से रिप्लेस होते हुए देखने को मिलेगा। अब जिस अकॉर्डिंग मार्केट मूव करेगा उस अकॉर्डिंग ये भी शिफ्ट होगा, या तो इस साइड में या तो इस साइड में। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं ओवरऑल मार्केट कैप की, साथ ही साथ अभी के टाइम में मार्केट में ग्रोथ है तो कितने परसेंट की, अगर गिरावट है तो कितने परसेंट की, उसके बाद से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगेगी उसे हम लोग एक एक करके सब कुछ कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर ओवरऑल मार्केट कैप की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1.86 ट्रिलियन देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अभी के टाइम में गिरावट तो है बट वो भी काफ़ी ना के बराबर ही रह गई है, लगभग 0.8% यहाँ पे देखने को मिल रही है जो कि गिरावट है। थोड़ा सा हम लोग स्क्रॉल डाउन करें तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन होते हुए बहुत सारे क्वाइन आपको BTC भी देखने को मिल रहा है, लेकिन सबकी परसेंटेज अभी बहुत कम है। सो ओवरऑल परसेंटेज इंक्लूड करके ऊपर का पूरा क्रिप्टो मार्केट का वो परसेंटेज दिखाता है कि अभी का मार्केट का क्या कंडीशन है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ ही देर बाद ऐसा लग रहा है कि मार्केट ग्रीन होगा और यहाँ से फिर थोड़ा बहुत रिकवर होते हुए मार्केट देखने को मिल जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं न्यूज की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिल रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे JP Morgan जी का कुछ स्टेटमेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कि इन्होंने एक जो है लाउंज ओपन किया है मेटावर्स से रिलेटेड जो की है, साथ ही साथ मेटावर्स के लिए इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए, जैसा कि इनका बोलना है कि ये बहुत जल्द जो है $1 ट्रिलियन का जो मार्केट है वो होने वाला है। और इसका रीज़न इन्होंने ये दिया कि ये हर जगह घुसने वाला है, मतलब हर तरह की कंपनी अलग अलग तरह से अपना मेटावर्स में कदम रखेगी और सब कोई इसका जो यूज है आने वाले टाइम में करना शुरू करेगा। तो इस तरह से मतलब इनका है कि हर सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होगी, जब हर सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होगी तो इसका जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और ये इन्होंने यहाँ पे एक तरह का इस्टीमेट किया है कि इसका 1 ट्रिलियन का मार्केट जो है वो होने वाला है। तो चलो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा नीचे में आते हैं। तो मैंने जो अभी बात कही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने जो है खुद एक फर्म को जो सेटअप किया, जैसे कि लाउंज सेटअप किया है डिसेंटरलैंड में। तो चलो फ्रेंड्स, इसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। और इन्होंने क्या कहा है, तो अभी जो कि मैंने बात बोली आपको सेम टू सेम यही बात आपको यहां पे देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला आपको यहाँ पे वही सब बात देखने को मिल रही है। अब चलो फ्रेंड्स, और थोड़ा नीचे आते हैं और मेन जो बात है वो करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अगर बात करो तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इन्होंने कुछ कंपनी की ऐसी कैटेगरी अपने से डाल दी है, जैसे कि VC कंपनीज ऑफ ऑल शेप्स, मतलब हर प्रकार के कंपनी, हर साइज के कंपनी जो कि मेटावर्स में इंटर कर रही हैं और डिफरेंट तरह से इंटर कर रही हैं अपने अपने हिसाब से, जिसका जो प्रोजेक्ट है उस तरह से अपना इंटर करेंगी, जिसमें कि इन्होंने बोला कि इंक्लूडिंग हाउस होल्ड नेम्स, हाउस होल्ड तरह की कंपनी भी वहाँ पे इंक्लूड है, जैसे कि इन्होंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर वॉलमार्ट दिया, नाइकी दिया, गैप दिया, वेरिजोन दिया, हुलू दिया, PwC, इसी तरह से एडिडास, अटारी और अदर्स, मतलब इस तरह के कई सारे और कंपनी एक तौर पे, ये एग्जांपल के तौर पे इन्होंने दिया है कि इस तरह की कंपनी जो है ये सब भी इंक्लूड होते जा रही है और आने वाले टाइम में मतलब हर कैटेगरी कंपनी है जो है वो भी इंक्लूड होते हुए दिखेगी। उसके अलावा फ्रेंड्स, अब बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बात किया है कि इसका जो बिल्डिंग एंड स्केलिंग की बात कर रहे हैं तो ये किस पे डिपेंड है, तो रोबस्ट एंड फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम पे इन्होंने बात की। और साथ ही साथ बोला है कि ये सक्सेसफुल वगैरह है, मतलब इसकी बिल्डिंग स्केलिंग सब कुछ सही है और काफ़ी अच्छी तरह से काम वगैरह कर रही है। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप थोड़ा बहुत बात करें तो ये वाली लाइन को देख लो, उसके बाद से इनका जो इन्होंने अपना जो लाउंज वाली बात कही है उसे हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको पिक्चर यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये JP Morgan जी ने यही चीज़ कही थी ऊपर में कि इन्होंने एक लाउंज जो है डिसेंटलैंड में अपना खुद का बनाया, अप स्टेयर पे आप देख सकते हो, इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्होंने बात यहाँ पे कही है। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे है कि द इन्वेस्टमेंट बैंक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कही कि जो इन्वेस्टमेंट बैंक है उसमें इन्होंने ओइनिक्स बाई JP Morgan करके एक लाउंज जो है वो सेटअप किया है। और ये कहाँ पे किया है, तो ग्राउंड फ्लोर के ओपन स्पेस में, और जहाँ पे एक टाइगर जो है वो वॉकिंग अराउंड दिखाया गया है, मतलब वो घूमते फिरते रह रहा है, और एक पोर्ट्रेट है JP Morgan CEO जिसका कि वो आप दीवार पे देख सकते हो। एक मिनट अब आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख लो, यही बात कही जा रही है, यहाँ पे आप देख लो, एक टाइगर है ये जो घूम रहा है।
साथ ही साथ यहाँ पे पोर्ट्रेट की बात की गई तो पोर्ट्रेट मैंने आपको दिखा दिया। तो यहाँ पे कहते लाउंज इज अप स्टेयर्स वेयर देयर इज अ बिग टेबल विथ डॉक्यूमेंट्स ऑन इट। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे टेबल वगैरह की बात की जा रही है, यहाँ पे अप स्टेयर्स सीढ़ी वगैरह की बात की जा रही है। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे एक तरह से अपना एक्सप्लोर किया और यहाँ पे ये चीज़ को दिखाई है जिसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स ऊपर में प्रोवाइड किया था। तो चलो फ्रेंड्स अब यहाँ पे और कुछ ज़्यादा पढ़ने को नहीं है, अब हम चलते हैं थोड़ी अगले न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स इस न्यूज़ को अगर गौर किया जाए तो ये एक तरह की पॉजिटिव न्यूज़ मान सकते हो। यहाँ पे अगर देखो तो इनके बारे में बताया गया कि ये जो है मैक्सिको के तीसरे सबसे रिचेस्ट बिलियनेयर हैं, जिन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि आप जो बिटकॉइन को है सेल करना भूल जाओ और सिर्फ और सिर्फ आप उसे बाई करो। और यहाँ पे कहा कि आप जो है आने वाले समय में फ्यूचर में मुझे थैंक कहोगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख लो कि ये भी एक तरह के इन्वेस्टर हैं और मैक्सिको के तीसरे सबसे बड़े इन्वेस्टर ये हैं और इनका ये कहना है कि आप जो है बिटकॉइन को बाई करते चलो। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे फिर से वही चीज़ों को यहाँ पे रिपीट करके दिखाया गया। तो थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ पे देख लो इन्होंने क्या एडवाइस दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने एडवाइस दिया है कि आप बिटकॉइन को बाई कीजिए, बाई करते जाइए। कब तक बाई करना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लो जब तक कि प्राइस लो रहता है तब तक बाई करो और बिना सोचे, मतलब सेल का तो सोचना तक नहीं है, इन्होंने बोला कि सेल का सोचना नहीं और सिर्फ उसी क्रिप्टो को बाई करो जब तक लो प्राइस पे मिल रहा है और उसे होल्ड करो और बाद में आप मुझे थैंक यू बोलोगे। तो चलो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ पे फिर से वही सब बात इन्होंने कही है जो कि मैंने आपको ऊपर में ही बता दिया है। अब थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख लो बिटकॉइन जो है अभी 40% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है जो कि देखने को मिल रही है। नवंबर में जो इसने 2021 का ऑल टाइम हाई अपना बनाया था, ETH बनाई थी, उससे 40% लो पर अभी के टाइम पे है। तो साथ ही साथ फ्रेंड्स आप थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो और कुछ इसमें फिलहाल फ्रेंड्स पढ़ने के लिए कुछ खास नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें ये वाली न्यूज़ की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे US प्रेसिडेंट बिडेन इन्होंने इशू करने की बात कही है इस सप्ताह के अंदर, क्या तो एक कार्यकारी आदेश जो कि होगी क्रिप्टो पे। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो तो अब ये जो रिपोर्ट ये जो इन्होंने कार्यकारी ऑर्डर के लिए बात कही है जो कि क्रिप्टो से रिलेटेड है, जो कि इस सप्ताह में इन्होंने बोला कि इशू किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्या है, तो इट विल डायरेक्ट अ वाइड रेंज ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज टू कम अप विद अ गवर्नमेंट वाइड स्ट्रेटजी टू रेगुलेट क्रिप्टो एसेट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहने का मतलब है कि इस वाले ऑर्डर से क्या होगा, इसमें क्या इंट्रोड्यूस किया गया, इससे इसमें क्या कहने की बात है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इससे क्या होगा, तो ये डायरेक्ट जो होंगे जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वाइड रेंज की गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं उन्हें बुलाया जाएगा, वो आएंगे और हमारे जो गवर्नमेंट वाइड स्ट्रेटजी हैं हम दोनों एक साथ सम्मिलित होकर जो है क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेट करने पर काम करेंगे। तो फ्रेंड्स अब मुझे नहीं लगता कि इस न्यूज़ को और ज़्यादा डिटेल्स में बताने की जरूरत है, क्योंकि यही सब बात और इतना ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड आपको टर्म्स देखने को मिल जाएंगे। आप देख लो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है कि अगर इसको पूरे डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कर लूँगा, बट ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप पूरा वीडियो देखते भी नहीं हो, मुझे ये बात पता है। तो इसलिए नेक्स्ट वाली न्यूज़ पर चलते हैं और जो मेन बात थी यहाँ पर वो हम लोग हेडिंग से ही समझ चुके हैं। तो फ्रेंड्स बात करें ये वाली न्यूज़ की, तो यहाँ पे बुल्गेरियन स्टॉक एक्सचेंज लॉन्चेज 8 क्रिप्टो ETNs। तो फ्रेंड्स थोड़ा नीचे आते हैं, सब कुछ बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पढ़ सकते हो कि बुल्गेरियन जो है उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि बुल्गेरियन कैन नाउ इन्वेस्ट इन क्रिप्टो एसेट्स थ्रू देयर कंट्रीज स्टॉक मार्केट। तो मतलब जो बुल्गेरियन के वासी हैं तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि वो क्रिप्टो एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट किस तरह से, तो कंट्री का जो स्टॉक मार्केट है, जैसे हम लोग का इंडिया का स्टॉक मार्केट है, तो वहाँ का जो कंट्री का स्टॉक मार्केट है उसके थ्रू वहाँ के क्रिप्टो एसेट्स में इन्वेस्ट किया सकता है। तो उस तरह के कुछ इन्होंने फीचर्स जो है क्या किए हैं, तो यहाँ पे है कि बुल्गेरियन स्टॉक जो एक्सचेंज है उसने रिसेंटली लॉन्च किया 8 ETN बेस्ड ऑन 2 डिजिटल करेंसी। जो 8 तरह के ETN को लॉन्च किया गया है जो कि बेस्ड है डिजिटल करेंसी पे, और वो डिजिटल करेंसी कौन सी दो है, तो वो है एक बिटकॉइन, दूसरी है इथेरियम। और यहाँ पे है कि ये जो एक तरह का एग्जांपल सेट किया गया है तो ये लीडिंग यूरोपियन प्लेटफॉर्म है जो इस तरह के प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहा है, इस तरह का इन्होंने एग्जाम्पल एक जो है ये सेट कर दिया यहाँ पे। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे उसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं तो उसे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे है कि जैसा कि यहाँ पे है कि विद द न्यू प्रोडक्ट ऑफ BSE इंटरनेशनल, जैसे कि BSE का जो न्यू प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है, तो यहाँ पे क्या है कि इनको मिल रहा था मार्केट में जो इंटरेस्ट है हर दिन, मतलब समय के साथ जो है क्रिप्टो इंस्ट्रूमेंट मतलब क्रिप्टो एसेट के लिए बढ़ रहा था। तो यहाँ पे लोग हैं कि ये लोग जो है इस तरह का जो ये इन्होंने अल्टरनेटिव एसेट ला दिया, जो 8 ETNs इन्होंने ला दिया जो कि आपको बिटकॉइन और इथेरियम बेस्ड है, तो यहाँ पे ये लोग बोल रहा है कि हम लोग जो है खुश हैं इस तरह के अल्टरनेटिव एसेट को लॉन्च करके, और जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी और सिंपल है आपको इन्वेस्ट करने के लिए,
जो भी इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्टेड है। तो चलो फ्रेंड्स थोड़ी बहुत और इसके बारे में जो बात कही गई है यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ETN विल अलाउ इन्वेस्टर्स टू पुट मनी इनटू डिजिटल सेट्स विदाउट द नीड ऑफ क्रिएट एंड ऑन क्रिप्टो वॉलेट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात कही जा रही, जैसे कि यहाँ पे जो है आप अल्टरनेटिव असेट है और डायरेक्ट स्टॉक मार्केट एक्सचेंज से कुछ कर सकते हो इसमें इन्वेस्ट वगैरह, तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि आपको कोई भी मनी डिजिटल एसेट में लगाने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको वहाँ पे कोई क्रिएट करना है अकाउंट वगैरह, ना ही अपना क्रिप्टो वॉलेट कुछ क्रिएट करना है, ना ही क्रिप्टोग्राफी की यूज करना है, आपको ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ एट द सेम टाइम दे विल हैव एसेस टू रेगुलेट कंप्लाइंट क्रिप्टो इंस्ट्रूमेंट, ऐसे करके यहाँ पे बातें जो है यहाँ पे इनके द्वारा कही जा रही है। तो फ्रेंड्स लगभग लगभग जो बातें थी आपको समझ में आ गई होगी और यहाँ पर कुछ जानकारी मतलब और भी यहाँ पे कुछ पढ़ने का फिलहाल जरूरत नहीं है। तो अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले अपडेट के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो अपडेट है आपको यहाँ पे फायर ब्लॉक की तरफ से आते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे है कि फायर ब्लॉक जो है एक्वायर करने की बात कर रहा है किसको, तो क्रिप्टो पेमेंट प्लेटफॉर्म को, जो कि एक रिपोर्ट के द्वारा पता चला है और यहाँ पे है $100 मिलियन की बात की गई है। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं फ्रेंड्स और ये है लास्ट न्यूज अभी की जो भी बड़ी अपडेट्स मुझे लगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिजिटल एसेट कस्टडी सर्विस प्रोवाइडर जो फायर ब्लॉक है क्या है, तो ये एक डिजिटल एसेट कस्टडी सर्विस प्रोवाइडर है। इसने अनाउंस किया कि ये जो है फर्स्ट डिजिटल को एक्वायर करने की बात कर रहा है, जो कि एक इजरायली कंपनी है और यहाँ पे ये $100 मिलियन की बात कर रहा है, मतलब इतना पैसा देके इसको जो है एक्वायर करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात की गई है। तो फायर ब्लॉक के बारे में फ्रेंड्स बात करें तो यहाँ पे ये रिवील हुआ है कि $550 मिलियन जो है सीरीज ई फंडिंग में इसने जो है अर्न किया है, जो कि पिछले 3 सप्ताह पहले ऐसे करके बात जो है वो रिवील हुई थी। तो चलो फ्रेंड्स आज की जितनी भी अर्जेंट और जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे लगी मैंने सबको अपडेट कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड मेरे चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ क्रिप्टो क्वाइंस से रिलेटेड जो भी मार्केट में अपडेट आते हैं वो भी चैनल पर आते रहती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।